हेलो स्टूडेंट, आज हमने इस कॉम्प्लेक्स स्फीयर का सेंट्रोइड निकालना है। तो सबसे पहले हम इसका जो डायमेंशंस है वो अज्यूम कर लेते हैं। तो ये मैंने मान लिया, ये टोटल जो डिस्टेंस है वो 40 है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस गिवन है ये अज्यूम करते हैं ये 10 है। यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो मानते हैं हम 20 है, यानी ये डिस्टेंस भी 20 है। और ये जो हमने हाइट मानी है ये हमने 10 मानी है। तो हमने इस कॉम्प्लेक्स फिगर का पूरा कैलकुलेट करना है सेंट्रोइड, तो ये भी हम 10 ले लेते हैं इसको भी, ठीक है। तो सबसे पहले हम रेफरेंस एक्सिस खींचेंगे इसकी। तो रेफरेंस एक्सिस से ही हमने सेंट्रोइड निकालना है ना। तो रेफरेंस एक्सिस से सेंट्रोइड निकालने के लिए सबसे फर्स्ट जो स्टेप होता है हमारा वो रेफरेंस एक्सिस का होता है। तो हम सबसे पहले रेफरेंस एक्सिस खींच लेते हैं। सपोज ये मैंने मान लिया ये हमारी रेफरेंस एक्सिस एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है सॉरी, और ये हमारी एक्स एक्सिस है। तो ये हमें क्लियर है, ये हमारी एक्स है और ये हमारी वाई एक्सिस है। तो सबसे पहले इसको पीस में ब्रेक कर लेते हैं, ये कितने पीसेस हैं। तो सबसे पहला स्टेप तो हमारा यही होता है, नंबर ऑफ पीसेस कितने हैं। तो सबसे पहले जो हमने पीस बनाया वो ये बनाया, ये क्वार्टर हो गया, ये हमारा क्वार्टर है, ये हमारा ट्राइंगल है, थ्री पीसेस बन गए इसके। तो वी जस्ट सपोज नाम मान लेते हैं, फर्स्ट पीस का हम नाम वन ले लिया, इसको सेकंड ले लिया और इसको थर्ड ले लिया। तो पहले आप मतलब वीडियो को पॉज करके ना अपने आप कोशिश कीजिए करने की, उसके बाद देखिए इसको, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। इसका सेंट्रोइड यहाँ होगा बिल्कुल सेंटर पे। इसका सेंट्रोइड जो सेमी क्वार्टर का होता है बेसिकली वो 90 डिग्री के पास होता है, और इसका भी 90 डिग्री के पास कुछ यहाँ पर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक्स वन लिखना है, तो ये हमारा एक्स वन होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस 20 है, तो यानी जो हमारा एक्स वन है वो हमारा 10 है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सिमिलरली जो हमारा वाई वन है वो यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, वो वाई वन 5 हो गया, 10 का 5। जो दूसरी की बात करते हैं, X2 की ट्राइंगल की बात करते हैं, तो X2 का जो सेंट्रोइड होता है ये बेस बाय 3 होता है, तो ये बेस पूरा 20 है, तो 20 बाय 3 हो गया ये, और 20 बाय 3 के पीछे ये भी 20 है, तो ये जो हो गया 20 प्लस 20 बाय 3। तो इसको कैलकुलेट कीजिए, 3 × 6 80 बाय 3 आ गया, ठीक है। तो सिमिलरली Y2 कैलकुलेट करेंगे तो वो हाइट बाय 3 होता है। टोटल हाइट देखिए, जो हमारा जो फिगर है उसकी जो टोटल हाइट है वो 20 है, ये 10 और ये 10, टोटल 20 है। तो ये भी जो हमारा डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये भी 20 बाई 3 होगा, ये भी हाइट बाई 3 होता है। क्योंकि ट्राइंगल की खासियत ही ऐसी है कि ट्राइंगल ऐसे, अगर ट्राइंगल है तो ये जो स्मॉल डिस्टेंस होते हैं ये वाला और ये वाला, ये दोनों इस लेंथ बाई बेस बाई 3 हो जाएगा ये डिस्टेंस। अगर ये एच है तो ये एच बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। 1/3 डिस्टेंस लेते हैं। अब क्वार्टर की बात करते हैं, तो क्वार्टर में चलते हैं। तो क्वार्टर में सबसे पहले ये जो डिस्टेंस होता है वो 0.424R होता है, यानी ये 4.424 रेडियस का 10 है, तो ये 4.24 हो गए। तो यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल 20 है, उसमें से 4.24 माइनस कर दिए, जहाँ ऐसे देख सकते हैं। तो बेस्ट मेथड तो ये ऐसे ही कर लीजिए, बाकी ये अगर ऐसे करना तो ये 10 है और यहाँ से लेके यहाँ तक 5.76R है, बेसिकली आप पे डिपेंड करता है। तो चलो हम ऐसे करते हैं, भी यहाँ से लेके ये 5.576R होता है, तो 0.576 इंटू जो रेडियस है वो 10 है, तो ये 5.76 हो गया। तो ये 5.76 यहाँ तक हुआ, हमने यहाँ तक जाना है, तो 10 और ऐड करेंगे, तो यानी हमारे जो X3 है वो 10 प्लस 5.76 हो गया, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट है वो बेसिकली जो लास्ट रह गया हमारा वो ये वाला डिस्टेंस है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्वार्टर में 0.424R होता, तो वो 4.24 हो गया यहाँ तक, और नीचे 10 है, यानी हम जो Y3 है हमारा वो 4.24, क्योंकि R 10 था, 0.424R था, 10 से मल्टीप्लाई किया तो 4.24 हो गया, प्लस नीचे 10 और है हमारा, उसको ऐड करेंगे तो ये हमारा आ गया 14.24। तो आगे जो काम है वो अपने आप कीजिए। आपको तीनों का एरिया मालूम है, एरिया ऑफ जो हमारा ये जो रेक्टेंगल है वो 10 × 20 है,
तो यानी 200 हो गया। जो हमारा ट्राइंगल का एरिया दैट इज़ A2, वो हाफ, बेस हमारा 20 है और हाइट भी हमारी 20 है। यहाँ ये 10 + 10 हो गया ना, यहाँ तक 10 और यहाँ से नीचे 10 ना, तो 2 × 10 = 20 यानी ये 200 हो गया। और जो हमारा A3 है वो क्वार्टर है, तो वो पाई आर स्केयर यानी पाई इंटू 10 का स्केयर डिवाइड बाय 4 होगा, क्योंकि क्वार्टर चौथा हिस्सा होता है उसका। तो अब आपने ये फॉर्मूला लगा देना है, तो ये तो आपको आता है एक्स सेंटर ऑफ मास का, दैट इज़ A1x1 + A2x2 अपौन प्लस A3x3, क्योंकि 3 पीस है इसमें, A3x3 अपॉन A1 + A2 + A3। ठीक है, तो ये मुझको लगता है ये अब आपको आ गया, तो ये आप कर सकते हैं। तो ये मान लीजिए भी अब आप ये ड्राइव आराम से कर सकते हैं, A1 + A2 + A3। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट y, तो इसमें A1 x1 की जगह A1 y1 डाल के ऐसे ही ये लिख देना नीचे, A1 + A2 + A3 सेम एज इट इज़। ठीक है, तो ये कमेंट में डाल के भेजिए अगर ये आप कर सकते हैं। तो पहले इसको अगर कर सकते हैं तो इनके तीनों के ना आंसर डालिए, y x और y से। ठीक है, ओके, बाय बाय।